दिल्ली में हर रोज कोरोना मीटर की तेजी खतरनाक संकेत दे रही है। संक्रमित मरीजों की तादाद 1600 के आंकड़ों को तो पीछे छोड़ ही गई। हॉटस्पॉट के आंकड़े भी कम नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में आया दिल्ली का शाहीन बाग अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना क्लस्टर एरिया को बढ़ाकर 60 कर दिया है। कल जिन इलाकों को क्लस्टर एरिया की लिस्ट में शामिल किया गया है उसमें शाहीन बाग, अबुल फजल इनक्लेव के पास की गली और शाहदरा में ईस्ट रामनगर के कुछ हिस्से भी हैं। दिल्ली के 60 इलाकों को सील कर दिया गया है। राजधानी में पहले 20 इलाके हॉटस्पॉट की लिस्ट में शामिल थे, फिर 55 और इसके बाद इसका आंकड़ा 60 तक पहुंच गया। वहीं अगर दिल्ली के कुल मामलों की बात करें तो अब तक 1640 केस सामने आए हैं, जिनमें 38 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 51 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली में युद्ध स्तर की कार्रवाई जारी है। हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, सफाई कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान से घरों के अंदर, नालियों में, गलियों में छिड़काव कर वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। आप जहां भी हैं इस बात को समझिए कि लॉकडाउन खुद जिंदा रहने और अपने आसपास के लोगों को बचाए रखने की सबसे पहली शर्त है। इसे तोड़कर हम कोरोना के खिलाफ अब तक जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।